तुला लग्न के लिए फेब्रुआरी 2023 कैसा रहेगा? देखिए इन शॉर्ट देखते हैं, 22 जनवरी से 14 फरवरी तक प्यार ही प्यार बेशुमार, मतलब बहुत कोई नई आइडिया आएगी, बच्चों की तरक्की देखेंगे आप 14 फरवरी तक, और 15 फरवरी से 11 मार्च तक आपको केयरफुल रहना है अपने हेल्थ के लिए। हो सकता है किसी जगह से, अगर आप आपके मैटरनल अंकल से कुछ कनेक्शन आ सकता है, कोई लोन लेना हो तो 15 फरवरी से 11 मार्च में लोन का काम हो सकता है। इन शॉर्ट देखिए आपको केयरफुल रहना है 5, 6, 7 हेल्थ के लिए। 10, 11, 12 आपका मानसिक तनाव आएगा, और 21, 22, 23 आप डिसीजन को पेंडिंग रखिएगा। मतलब आपको केयरफुल रहना है 5, 6, 7, 10, 11, 12, 21, 22, 23 यू हैव टू बी केयरफुल। अब फिनेंशियली मैं मानता हूं बेस्ट टाइम है आपके लिए 18, 19, 20, कुछ प्रॉपर्टी के कामकाज भी होंगे 18, 19, 20 फरवरी में। 27 और 28 फरवरी को आपके हाथ में पैसे भी आएंगे, लिक्विडिटी के लिए बेस्ट है। मतलब फाइनेंशियली 18, 19, 20 बेस्ट है, 27, 28 लिक्विडिटी के लिए बेस्ट है। अब जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए 16 और 17 बेस्ट है ऐसे तो, और ऑलरेडी जो जॉब में है उसका 13 से 20 तारीख तक का कैरियर ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। 24, 25, 26 दो हुआ जॉबलेस, उनके लिए 16, 17 और 24, 25, 26 बेस्ट रहेगा। जो मोहब्बत करते हैं उनके लिए तो मैंने बोला भी आपको 14 फरवरी के लिए पहले बहुत अच्छा है, उसमें भी 2, 3, 4 और 8 फरवरी बेस्ट है। प्रपोज करने के लिए मोहब्बत करते हैं उनके लिए, कोई शेयर बाजार से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए, स्टूडेंट को 2, 3, 4 अच्छा है। मैं समझता हूं तब तक 14 फरवरी तक स्टूडेंट के लिए बेस्ट टाइम है। 14 फरवरी तक आपके जो मैक्सिमम डिसीजन है ये आपको 14 फरवरी तक ले लेने चाहिए ऐसा मैं मानता हूं। बाकी इन शॉर्ट ये महीना मोहब्बत है और बाद में हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है 15 तारीख के बाद। थैंक यू।